हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होगी। और हम लोगों ने बोला था आप लोगों को कि गांव जाने वाले हैं, तो हम लोग गांव आ गए थे। शिवरात्रि के पहले ही गए थे। ये वीडियो आप लोगों तक बहुत देर से जा रहा है और आगे वीडियो में बने रहिएगा। मैं बताऊँगी कि वीडियो आप लोग तक देर से क्यों पहुँच रहा है। तो यहाँ पर देखिए, धान उछल रही हूँ मैं। जिस दिन गई थी उसी दिन धान डाल दी थी। तो यहाँ पर सासू माँ आग लगा, आग चूल्हा में आग जल रही है। उसके बाद सुबह हो गया था और हम लोग उस दिन रात भर नहीं सोए थे। तो यहाँ पर देखिए, ब्रश कर रही है। मैं भी ब्रश करने ले आई हूँ, तो मैं आती है, हम ब्रश कर लेंगे। और वहाँ पर धान उछला गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो हो जाएगा। लास्ट बचा हुआ है, आधा टीना बचा हुआ है। यहाँ पर टीया को जल्दी करो। गाँव का माहौल ऐसा रहता है ना, अगर किसी ने जगह से दूसरे जगह जाइएगा तो नींद नहीं आता है पूरा अच्छी तरह से। तो वही हाल हुआ है हम लोग के साथ भी। हमारे साथ जिस दिन हम लोग गए हैं उस दिन तो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा ही कि हम लोग गाँव जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो नहीं पाए थे अच्छा से। तो देखिए, यहाँ से धान इतना हम लोगों ने रात नहीं सोया है। मैं आपको सन के रख दी हूँ। और देखिए, यहाँ पर टीना में डाला हुआ लास्ट है। और उसके बाद में इसको बोलो बाबा से उठ गए, गुड मॉर्निंग बोलो। डाल रही हूँ अभी, सब सुनो रही है डालने के लिए छत पे। तो आदमी भी लगाई हुई है, तो अभी वहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए, इतना सारा धान है और ये थोड़ा सा बचा हुआ है बस। उसके बाद धान देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चावल उसका बहुत कम निकलता है। फ्रेंड्स, पहली बार मैं धान उसनी हूँ, तो आप लोगों को समझ सकते हैं कि पहली बार कोई काम अगर कोई करता है और अच्छा हो जाता है तो कितना खुशी मिलता है। तो ये हम लोगों का किचन है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, टिया चूल्हा के पास खड़ी हुई है, तो इसका मैगी मैं बना दे रही हूँ। बोल रही थी मैगी बना दो, क्योंकि गैस तो यहाँ पे है नहीं, तो लकड़ी के चूल्हे पे ही बनाना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं चार साइड में ही इसको चला दी हूँ, तो यहाँ मैगी बन रहा है। और उसके बाद यहाँ देखिए, धूप में थोड़ा सा था, तो धूप में थोड़ा सा मैं चला दे रही हूँ इसका। और यहाँ पर टिया भी चला रही है थोड़ा सा, ये चला रही है। उसके बाद में ये एक जगह जमा है फ्रेंड्स। धान उछलने का जो एक्साइटमेंट था, सो पहली बार मैंने किया था काम। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, बिल्ली यहाँ पर आई हुई है। टिया का दूध रखा हुआ रहता है, तो एक दिन पी गई थी जिस दिन मैं गई थी उसके दूसरे दिन। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, धान जो है लास्ट हो गया था फ्रेंड्स। सब मिली जुली वीडियो है यहाँ पर। ये लास्ट दिन का है जब मैं, हम लोग शिवरात्रि का नहाने खाने का है उस दिन का है। नहाए खाया था उसका एक दिन पहले का। तो यहाँ पर देखिए, ये सब अभी रखा हुआ है। सुबह का है ये वीडियो, जिस दिन हम लोग नहाए खाए रहेगा। शिवरात्रि का जो नहाने रहता है, नहाना खाना रहता है, उस दिन का है। तो यहाँ पर सुबह में मैं उठ रही थी। और यहाँ तक हो सकता है मैं यही वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और शूट भी उतना ही, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा नहीं कर पाई थी। आप लोग समझ सकते हैं, गांव में सभी कोई देखेंगे तो बोलेंगे कि ये बहू लोग क्या कर रही है। तो इस वजह से मैं नहीं ज़्यादा शूट कर पाई थी। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये लोग, तो मैंने दही का जो है कढ़ी बनाया था, तो वो वाला फेंक दी हूँ मैं। हम लोग खाए थे और उसके बाद जो बच गया था सब फेंक दी थी। तो ये किचन में मैं पानी ले आई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन को धो ले रही हूँ, और धोकर फिर मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद में फिर पूजा करने जाऊँगी। और हम लोगों के गांव में बहुत सा अच्छा मंदिर बना है फ्रेंड्स, बहुत पहले ही, एक साल हो रहा है बने हुए। तो यहाँ पर देखिए, मैं नहा धो कर आ गई थी। बाल मैं आज धोई थी, क्योंकि आज तो सभी कोई जानते हैं, जो जो शिवरात्रि पूजा करेंगे वो सब जानते ही होंगे कि आज बाल धोकर नहाने का है। तो बाल धोकर मैं नहा ली थी, और उसके बाद में तैयार होकर चली जाऊँगी मंदिर, मैं और टिया। और सासू माँ घर पर ही रहेगी। यहाँ पर देखेगी, धान वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है, तो धान को देखेगी। और आज जो है लास्ट है धान का, तो आज धान सूख जाएगा। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे मैं और टिया और मेरी सही चाची साथ जा रही है। तीसरे नंबर पे है वो, साथ में जा रही हैं पूजा करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं बनाई हूँ वीडियो, तो रोड में मैं समझ सकते हैं गाँव में बहु लोग को कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब देख कर चलना पड़ता है। तो मैं वीडियो उतना अच्छा से नहीं शूट कर पाई हूँ बोलकर, तो मैं बहुत सबर कर रही हूँ। तो यहाँ पे चाची कुछ बोल रही थी, तो उसी पर मैं बोल रही थी। और ये है मेरी तीसरे नंबर वाली चाची, मेरे हस्बैंड की चाची हैं, तो मेरी चाची सास लगेगी। और ये टिया है। और हम लोगों को वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था, तो इस वजह से आप लोगों तक ये वीडियो लेट से पहुँचेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हम लोग का गाँव का मंदिर है। ये
सत्ती आयु का मंदिर है, तो पहले हम लोग यहाँ पे पूजा कर लेंगे। उसके बाद में जो हम लोगों का प्रसिद्ध मंदिर, बहुत कोई बाहर से भी आ रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, वो 7 करोड़ का मंदिर है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, इस मंदिर में बहुत जगह से आ रहे हैं देखने के लिए। आप लोग YouTube, Facebook हर एक जगह पे ये वाला मंदिर आप देख चुके होंगे और देख भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह से आदमी आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी, विदेश से भी जो आ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये हम लोगों का गांव का मंदिर है, और ज़्यादा दूर में नहीं है, 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। और हम लोग के गाँव का मंदिर है ये, बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे मनोकामना जो भी मांगिएगा वो सब पूरा होता है, अभी पूरा तरह से काम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखने में। जब यहाँ पे सुबह अगले बार जग हुआ था तो हम लोग आए थे, उसके बाद में एक बार और आए थे लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाए थे। और यहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर बन रहा है, तो हर साल यहाँ पे दुर्गा माँ का उठता है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी पूरा काम नहीं हुआ है। और ये हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग रिसर्च मारिएगा यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, आप लोग देख चुके होंगे कि ये 7 करोड़ का मंदिर है। बहुत जगह से यहाँ पे देखने के लिए आदमी लोग आ रहे हैं, और हम लोग का ये गांव का मंदिर है। तो आज मैं आप लोगों को इस मंदिर में दिखाऊंगी क्या कहाँ कहाँ क्या क्या है, और कुछ वीडियो शूट की है टिया भी, तो वो भी दिखाएगी आपको। ये वाला चारों पट्टी से इसका रास्ता है फ्रेंड, तो इस तरफ से हम लोग जा रहे थे, तो ये पिन जो राइट साइड होता है उधर का रास्ता है, तो ये वाला में मैं गई थी लेकिन बंद था। यहाँ वाला जो सीधा रास्ता है वो वाला खुला हुआ है। और ये सुबह का समय है, 9 बज रहा है, तो 9 बजे इधर का नहीं खुला हुआ है। और बहुत को यहाँ पे सुबह से ही भीड़ लग जाता है, भद्रकाली आप लोग जानते होंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है ये। और अभी पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी जहाँ तक अभी काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मंदिर का अंदर वाला पूरा काम हो गया है, लेकिन बाहर में जो बचा हुआ है, तो अभी दुर्गा माँ का भी मंदिर बन रहा है, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे सभी काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए मंदिर, और ये हम लोगों का मंदिर का हनुमान जी हैं, तो यही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा है, और सबको यहाँ का देख कर जा रहे हैं, न्यूज़ में भी इसका आ रहा है। तो ये देखिए पूरा मंदिर का कुछ सीन इस तरह से, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप लोग भी अगर झारखंड से होंगे तो आप जाके झारखंड में देखिएगा, झारखंड का ये प्रसिद्ध मंदिर है, और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसे बने हुए। और यहाँ पे टिया देखिए दौड़ रही है, टिया यहाँ पे आई है, पहले भी आई है, जब शुरू हुआ इसका स्टार्टिंग हुआ था, जब यहाँ पे जग हो रहा था, तो उस समय भी आई थी, तो ये देखिए। और उस समय हम लोग भी आए थे, तो हम लोग मेरे घर के सभी को आए थे यहाँ पर जग में। और उसके बाद में मैं फिर अभी आई हूँ धान उसनने के लिए, तो अरवा चावल लूँगी। और यहाँ पर देखिए और बैकग्राउंड से आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ी माँ आ गई है, जो मेरी सासू माँ का जो बड़ी उतनी है वो आई है, तो उन्हीं का आवाज़ आप लोगों को लग रहा होगा। और यहाँ पे वीडियो शूट टिया की है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं और मेरी चाची सास पूजा कर रहे हैं, और हनुमान जी का है बाहर में ही नारियल फोड़ते हैं, तो मैं चली गई उधर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे टिया वीडियो शूट कर रही है, बोली कि लाओ थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, और ज़्यादा बड़ी अभी टिया नहीं है, तो इस वजह से ये अच्छा से नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना भीड़ लगा हुआ है, अभी सुबह से ही मतलब कि शाम तक बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है यहाँ पे आ गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं तो देवी मंडप, देखिए टिया भी बढ़िया है, और अभी ताला बंद है, तो मेरी चाची सास गई है लाने के लिए, रुक के दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से आप लोगों को। यहाँ पे देखिए चाबी लाने गई है, और उसके बाद देखिए पूजा करने के बाद मैं आई थी फ्रेंड्स, तो चूल्हा नहीं जलाई थी, कोयला भी रखा हुआ था, तो यहाँ पे एक तसला मैंने गर्म पानी किया है सासू माँ के लिए, और लकड़ी गई चूल्हे पे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, देर हो गया था पूजा करके आते आते, 11:30 बज गया था। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं दाल चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद में यहाँ देखिए पूजा करके मैं आई, तो साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि वो मैं थोड़ा सा महंगी साड़ी है, तो उसको मैं यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पर बनाऊंगी।
बना रही हूँ दाल गया है, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाई थी शिवरात्रि का नहाए खाए दिन, उसके दिन मैं बनाई थी दाल भात और चोखा और टमाटर का चटनी ही मैं बनाई थी। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट मैं बना ले रही हूँ, और यहाँ पे भात भी मेरा बन चावल भी मैं डाल दे रही हूँ बनने के लिए, तो मेरा भात और दाल भात और तैयार हो जाएगा। और चोखा यहाँ पे दाल छेकने के लिए मैं कलछुल भी चढ़ा दे रही हूँ फ्रेंड। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो अगर जो आदमी लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है और उसे अगर एक बनाने को मिले तो उसको लगता है थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पे ही बना रही हूँ, और तसला का तो कबाड़ा उड़ गया है, पूरा काला हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी में मैं आलू डाल दी थी क्योंकि देर हो रहा था, और समझ सकते हैं कि सुबह से काम में लगी हुई हूँ तो भूख भी लग गई है बहुत ज़ोर से। तो हम लोगों ने यहाँ पे दाल भात चोखा और टमाटर का चटनी में हम लोग खा लिए थे। तो यहाँ पे सासू माँ को मैं मुनगा का साग दे दी थी क्योंकि जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन हम लोग सुबह में निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं शाम का समय है, अब यहाँ पे धान आज हम लोगों का कुटा जाएगा, मशीन आ गया है, तो धान कुटाने के बाद में फिर मैं यहाँ पे लीप दूंगी। तो यह देखिए मेरा किचन, मैं किचन को साफ़ सफाई पूरा अच्छा से कर दी थी, आई थी उस दिन तो आप लोग देखे ही हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में भी देखे हैं और आज के वीडियो में भी मैं थोड़ा सा दिखाई हूँ आप लोगों को कि कितना गंदा था। और यहाँ पे टिया का दूध रखा हुआ है, इसी पे मैं चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है आपको, तो ये सबको मैं लीप दूंगी गोबर से पोताई करूंगी। और मेरे वीडियो में आप लोगों को गोबर से पोताई करते हुए आप लोगों को नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज लाइट जो है उस दिन लाइट नहीं था, तो यहाँ मैं नहीं वीडियो शूट कर पाई। यही मिल जो आया है धान कूटने का, यहीं तक मैं थोड़ा सा वीडियो शूट की हूँ। और उसके बाद देखिए हम लोग आ गए थे शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करके, तो यहाँ पूजा वगैरह सब मैं कर ली थी। और ये देखिए हम लोग धान का जो चावल बनता है वो चावल लेकर आ गए थे अपने गांव से। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे कितना कबाड़ा उड़ गया है, कहीं दूसरे जगह से अगर फिर घर आइए तो बहुत ज़्यादा ही बिखरा हुआ सामान मिलता है आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा काम पसर जाता है। और उसके बाद देखिए ये जो चावल है हम लोगों का कितना अच्छा बना है, तो गांव का चावल देखिए मैं फर्स्ट बार बनाई हूँ और बहुत ही अच्छा बना था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मैं मिलूँगी तब तक।